हर्षवली आगे बढ़े खबरों में, जो 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है। काशी के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे अमित शाह और बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और महमूरगंज के तुलसी उद्यान में केंद्रीय चुनाव कार्यालय खुलेगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाना है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। जी हां, काशी के दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम गृह मंत्री के रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी गृह मंत्री की ओर से किया जाना है। तो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा और इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश के ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी गृह मंत्री की ओर से की जाएगी। तो पार्टी पदाधिकारियों से जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां यूपी में की जा रही है, वाराणसी में की जाएगी, तो उसको लेकर भी समीक्षा होनी है और महमूरगंज के तुलसी उद्यान में केंद्रीय चुनाव कार्यालय खुलेगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से अश्विनी द्विवेदी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे इसके अलावा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वाराणसी तो भारतीय जनता पार्टी पिछले दो चुनावों से लगातार जीत रही, लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र चाहे गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़, ये तमाम जगह है जो काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर स्थिति में है। वहां पर लगातार देखा गया, चाहे 2022 का चुनाव देखा गया विधानसभा का या फिर उससे पहले 2019 का चुनाव देखा गया, तो दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां से शिकस्त खानी पड़ी, इस नुकसान हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह जब दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इन सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि 24 तारीख की बात करें तो संसदीय जो कार्यालय होता है उसका चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन कार्यक्रम में जो है गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा बात करें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी के अलावा जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये तमाम जो दिग्गज होंगे शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो जो गृहमंत्री अमित शाह हैं वो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा करेंगे और समीक्षा के दौरान देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां की चुनाव की स्थिति क्या है, कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है, किन किन बिंदुओं को लेकर के जो पदाधिकारी वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अमित शाह हैं वो लोकसभा चुनाव संचालन जो समिति होती है, साथ ही साथ उसके अलावा प्रबंधन कमेटियां होती हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, उनके साथ तैयारियों का जायजा लेंगे। तो निश्चित तौर कुल मिला के ये कहा जाएगा कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश अमित शाह वाराणसी के माध्यम से करेंगे। उसके पड़ोसी जो जिले हैं गाजीपुर, मऊ, घोसी, ये तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उनको साधने की कोशिश कहीं ना कहीं वाराणसी से की जाएगी। तमाम जो इन जगहों के पदाधिकारी होंगे उनको भी संभवतः बुलाया जाएगा और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर वहां के इनके यहाँ स्थिति क्या है। तो 24 तारीख का ये दौरा जो अमित शाह का है बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी अश्विनी, सवाल ये भी कि क्या अमित शाह चुनावी समीकरण को साधने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, मजबूती का दावा एनडीए कर रहा है, लेकिन अगर बात हम इंडी गठबंधन की भी करते हैं तो इंडी गठबंधन भी अपनी मजबूती का दावा पूर्वांचल में कर रहा है, तो क्या अमित शाह पूर्वांचल को साधने में अब कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री का है? अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं कहते, विपक्षी पार्टियों के लोग भी कहते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन जोर शोर पर था और किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी सरकार से अच्छी खासी थी। जब ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी उसके बाद जो वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान जो है अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ली थी और गलियों गलियों में जाकर के पर्चे बांटे थे, लोगों से सीधा खुद जाकर संवाद किया था,
किसी और पर भरोसा उन्होंने नहीं किया था। जब परिणाम आए थे तो कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाले परिणाम थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे, जब उनसे ऑफ कैमरा बात करो तो कुछ कहते थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान में हम 50 से 60 सीटों के नुकसान पे हैं, जबकि जब परिणाम आए तो 2017 से भी बेहतर परिणाम पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि अमित शाह नहीं साथ पाएंगे। उनके बारे में यही कहा जाता था कि अगर वो मैदान में उतर गए, अगर उन्होंने रणनीति तैयार कर ली तो अच्छे अच्छे दिग्गज हैं वो पीछे हटने उनको मजबूर करते हैं। बात अगर करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में गोरखपुर का जो क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है वो काफी मजबूत स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आसपास के क्षेत्र को 3 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें से एक गाजीपुर, दूसरी मऊ है, तीसरी जो है घोसी है। जौनपुर की बात करें, कोड़ी हो चुका, थोड़ी दूर निकलेंगे आजमगढ़, क्योंकि अभी तक का आजमगढ़ का जो इतिहास था समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा, लेकिन जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, वहां पर दिनेश लाल निरहुआ जीते थे, कहीं ना कहीं जो भ्रम था समाजवादी पार्टी का वो भी उस चुनाव में टूटा था। लेकिन अगर बात करें 2019 की तुलना करें गाजीपुर के लिए या फिर मऊ के लिए, घोसी के लिए, 2019 चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में चुनाव लड़ रही थी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और संगठन जो गठबंधन था उसको मिला था। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में कितना फायदा किसको होगा ये तो देखने वाला होगा, लेकिन पूर्वांचल का चुनाव दिलचस्प जरूर है, ये कहना थोड़ा आसान होगा। समीकरण क्या बनते हुए नजर आते हैं अश्विनी पूर्वांचल में, चूंकि आप जमीन स्तर पर लगातार रहते हैं, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, समीकरण आपके हिसाब से क्या कुछ बन रहा है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो लगातार दावे कर रही है अपनी मजबूती के कि यहाँ पर जीत हासिल होगी, 80 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया, और विपक्ष ने लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हराना है। अभी को अगर बात करें पूर्वांचल के समीकरणों के, तो समीकरण थोड़ा सा उलट इस बार है, क्योंकि 2019 में जो समीकरण थे उनसे बिल्कुल इतर है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने चुनाव साथ में लड़ा था, वो डायवर्जन जो था वो नहीं हुआ था। इस बार सपा जो है कांग्रेस के साथ लड़ रही है, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। हालांकि 2 सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, वहीं तक वो सीमित रह गए। अभी हाल ही में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, मात्र 1 सीट जीतकर कांग्रेस आई थी, जगह बसपा आई थी। कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं समझ में नहीं है, पूर्वांचल समझना होगा पूर्वांचल की राजनीति में, कि पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़, ये तमाम सीटें हैं जहां पर त्रिकोणी मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला है। बाकी अगर गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र का मामला देखें तो एक तरफा मामला अभी तक नजर आ रहा है। गोरखपुर चाहे संत कबीर नगर की बात करें, या फिर गोरखपुर प्रॉपर की बात करें, या फिर अगर उसके आसपास के तमाम देवरिया, राय जो बलिया है, वहां पर जो अभी जनता है उसके मुंह से सुने तो उसका कहना है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि जनता है, कब पलटेगी, कब किसको वोट करेगी, ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन जो ग्राउंड पर निकलो, जब बात करो, तो लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से काफी खुश है, वो मुख्यमंत्री के जो कानून व्यवस्था पर काम किया उन्होंने उस पर काफी खुश है, इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जो लाए उससे खुश है, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र, कुशीनगर जैसी जगह पर एयरपोर्ट का सपना जो कभी देखा नहीं जा सकता था उसको पूरा किया, उससे वहां के लोग खुश है, एम्स की व्यवस्था हो रही उससे खुश है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं जनता स्वीकार कर रही है। हालांकि वोट देने के टाइम दिमाग में क्या वोटर के रहता है वो थोड़ा सा अलग चीज होती है, वो चीज अलग होती है, लेकिन अभी तक की स्थिति जो है वो चलिए ठीक है। अश्विनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।